हाँ, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कल 5 तक खत्म कर चुके थे और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से। तो देखेंगे यहाँ किस तरीके से सारा कुछ चल रहा है और होगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है ये आपका दो तरीके का हाइब्रिडाइजेशन इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो तरीके का हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। पहला जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, sp d2sp3, और दूसरा वाला जो रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा, sp3d2। पहला क्या बोले हम, d2sp3, ठीक है, और दूसरा वाला क्या आपका कहलाएगा, sp3d2। दो तरीके का हाइब्रिडाइजेशन देखने को यहाँ पे मिलता है इस। ठीक है, आर यू गेटिंग माई आइडिया? तो यहाँ से ठीक है, तो यहाँ से यदि हम लोग और थोड़ा सा इसमें देखें तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि इसको यानी d2sp3, तो d2 कब हुआ होगा, जब इनर वाला ऑर्बिटल इस्तेमाल किया गया है, तब यूज किया गया, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के भी नाम से ये जाना जाता है। ये चीज हम पहले भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसने डी बाहर वाले को इस्तेमाल किया है, यानी सारा का सारा जो है यहाँ पे ये वाला इनर वाला इस्तेमाल है, तो ये क्या हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल। ठीक है, इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन। और यदि ये वाला इस्तेमाल नहीं होता, ये वाला यूज में नहीं आता और केवल बाहर वाले सारे यूज में आते और अगला वाला जो डी है वो ले लेते, तो फिर ये क्या कहलाता, आउटर ऑर्बिटल कहलाता। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कहलाता और हाई स्पिन जो है वो आपका ये कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग जाएंगे ज्योमेट्री के लिए, तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ये वाला यदि हम बात करें, ठीक है, ज्योमेट्री क्या होगा, तो ज्योमेट्री जो है, ठीक है, ज्योमेट्री जो नजर आ रहा है ना जी, चैतन्य दिख रहा है ना स्क्रीन पर? हेलो, हाँ हाँ ठीक, तो ये, हाँ सर, ठीक, तो ये आउटर ऑर्बिटल जो है ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये डी वाला जो है हम लोग आउटर वाला इस्तेमाल करेंगे, ये क्या हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल और क्या कहलाएगा, हाई स्पिन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें किसका, ज्योमेट्री का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का ज्योमेट्री होता है वो क्या होता है आपका, ऑक्टाहेड्रल कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्टाहेड्रल, या फिर इसको स्क्वायर बाय पिरामिडल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर, ये मेटल, ये आपका इस तरीके से सारे लिगेंड रहेंगे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ये ऊपर और ये नीचे, यहाँ भी लिगेंड और यहाँ भी लिगेंड, तो इस तरीके से ये बनता है, जहाँ पे ये ऊपर की तरफ भी पिरामिड बनता हुआ नजर आएगा और नीचे की तरफ भी पिरामिड बनता हुआ नजर, तो इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल इसको कहा जाता है। तो जनरली हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऑक्टाहेड्रल के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे कि क्या क्या चीज़ है, ये चीज़ थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। जैसे कि हम सजा रहे हैं d1 d2, ठीक है, d3 d4 d5 d6, ठीक, इस तरीके से हम लोग जा रहे हैं। और आगे यदि हम जा रहे हैं, आगे यदि हम जाते हैं तो ये अपने को क्या मिलेगा, ठीक है, ये अपने को क्या मिलेगा, तो आगे अपने को मिलेगा d7। ठीक है, क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे, ये चला जाएगा आपका d7। ठीक है, d8 d9 d10। ठीक, तो d1 में क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन, d2 में क्या, ऐसे d3 में 3, d4 में 4, d5 में 5, d6 में पहले 5 भरेंगे एक पेयरिंग होगा, d7 में 5 भरेंगे फिर पेयरिंग होते जाएगा 8 9 10, इस तरीके से। ये तो नॉर्मल सी बात है। अब यदि हम बात करें यहाँ पे d1 d2 और d3, ठीक है, d1 हो d2 हो या d3 हो, इसमें जो आपका बनेगा, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आता है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वो वीक फील्ड हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वो वीक फील्ड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड ही है, लेकिन इसमें पेयरिंग करवाएगा, तो पेयरिंग करवा करके क्या होगा, इसमें पेयरिंग होगा क्या, नहीं होगा, इसमें पेयरिंग होगा भी, तो अपने को जो हाइब्रिडाइजेशन आता है ऑक्टाहेड्रल में वो दो ही टाइप के आते हैं, या तो d2sp3 नहीं तो sp3d2। तो यहाँ पे पेयरिंग करवाने के बाद भी क्या बनने चाहिए आपको, d2sp3। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा पेयरिंग करवाने से, और पेयरिंग करवाने में क्यों एनर्जी हम क्यों वेस्ट करें, तो यहाँ पे 3 तक में किसी प्रकार का कोई पेयरिंग आपको देखने को नहीं मिलता, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहे चाहे वो वीक फील्ड लिगेंड।
ठीक है, ध्यान में रहेगा ये थ्री तक, डी थ्री तक कोई भी पेयरिंग नहीं होगा, यानी कि डी वन डी टू डी थ्री में क्या रहेगा, एसपी टू डी थ्री ही होने वाला है। अंदर वाले ये दो ऑर्बिटल्स इस्तेमाल में होंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एन है, ये भी इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स रहने के कारण ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। अब यदि हम बात करें डी फोर डी फाइव और डी सिक्स की और डी सेवन, ठीक है, डी फोर डी फाइव डी सिक्स और डी सेवन की बात करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि डी फोर में चार, डी फाइव में ये, डी सिक्स में ये, डी सेवन में ये आपका बन रहा है। तो यदि हम इसका पेयरिंग करवा दें, ठीक है, ये वाला, ठीक है, एक पेयरिंग होगा यहाँ से, ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ, तो यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या बनेगा, ये इस तरीके से, यदि स्ट्रॉन्ग सिलिकॉन आपका आ जाता है, ठीक है, इसका इसमें किस तरीके से डी टू एस पी थ्री कैसे बनेगा, यानी ये दोनों फिर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो डी टू एस पी थ्री बन जाएगा। अब इसमें क्या है कि ये वाले को कहाँ भेजना पड़ेगा, ये वाले को यहाँ भेजना पड़ेगा और ये वाले को यहाँ भेजना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों जगह खाली होगा और फिर क्या बनेगा, मतलब लाइक दैट, ये पहला वाला लाइक दिस, ठीक है, और ये सबको आप पेयरिंग करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, तो ये दो दो आपको खाली नजर आएगा, जिसके कारण ये क्या बनेगा, डी टू एस पी थ्री यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा, और सेवन में इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है, सेवन में इस तरीके से। तो फिर इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भेजना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, या फिर एक, यानी कि एक जो रहेगा वो बच जाएगा, ठीक है, और एक ये बच जाएगा, और जिसके कारण यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाए, तो वो क्या करेगा, इसको ट्रांसफर करवा देगा, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसफरेंस इफेक्ट। याद आ रहा है, तो यहाँ भी वो चीज़ देखने को मिल सकता है, ये कहाँ चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, और फिर ये दो खाली हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे, डी टू एस पी थ्री बन जाएगा ये आपका। उसके बाद यदि हम बात करें एट का, नाइन का और टेन का, ठीक है, एट का, नाइन का, टेन का, क्लियर है, ठीक, एट का, नाइन का, टेन का, हाँ, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है, यदि यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रहा है, इसमें फोर में चले जाए, फाइव में मतलब इस तरीके में फिर पेयरिंग नहीं हो रहा है, तो एस पी थ्री डी टू बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, sp3 d2, ये चीज ध्यान में रखना, अभी हम नीचे फिर बताएंगे। 8 का, 9 का और 10 की बात करें, तो इसमें ये दो ही केवल बच रहे हैं, ये मतलब इसको पेयरिंग करवाने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है, कोई फायदा नहीं है, इसका पेयरिंग, इसमें पेयरिंग होगा नहीं, और ये पहले से फुलफिल है, यानी ये चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पेयरिंग करवाते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले या वीक फील्ड लिगेंड ले, डी नाइन डी एट डी नाइन और डी टेन जो रहेगा तो sp3 d2 कहलाएगा और पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, क्योंकि यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे एक यहाँ पे दो अनपेयर्ड मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे एक अनपेयर्ड मिल जाएंगे, और ये तो आपको कंप्लीट का कंप्लीट भरा हुआ रहेगा, तो वो डिपेंड करता है आगे देखने पे कौन सा है, लेकिन ये आपको कौन सा मिल जाएगा, एक्सेप्ट डी टेन, ठीक है, डी टेन जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, डाई मैग्नेटिक आपका रहेगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, और थोड़ा सा नीचे, ठीक है, और थोड़ा नीचे जाते हैं, तो क्या देखने को आपको मिलेगा, हाँ ये वाला डी फोर, ठीक है, डी फोर डी फाइव डी सिक्स डी सेवन जो ऊपर हम लोग देख रहे थे, तो इसमें हम पहले ही बोले कि डी टू एस पी थ्री भी हो सकता है और एस पी थ्री डी टू भी हो सकता है, यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा पेयरिंग करवा देगा और क्या बना देगा इसको, डी टू एस पी थ्री, और यदि वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो पेयरिंग नहीं होगा और क्या बन जाएगा, एस पी थ्री डी टू, तो इस तरीके से ये वाला जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, पूरा रिविजन करवा देते हैं, डी वन डी टू डी थ्री, ठीक है, एस एफ एल रहे या डब्ल्यू एफ एल रहे क्या बनेगा, डी टू एस पी थ्री, ठीक है, उसके बाद डी एट डी नाइन डी टेन लास्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट थ्री क्या बनेगा, डी टू एस पी थ्री चाहे कोई भी रहे, लास्ट का थ्री क्या बनेगा, एस एफ एल या डब्ल्यू एफ एल कोई मतलब नहीं है, क्या बनेगा ये, एस पी थ्री डी टू, और साथ ही साथ, ठीक है, और साथ ही साथ यदि हम बात करें फोर फाइव सिक्स सेवन का, ठीक है, डी फोर फाइव सिक्स और सेवन का यदि हम इसकी बात करें, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या बनता हुआ नजर आएगा, यदि एस एफ एल रहा तो डी टू एस पी थ्री, ठीक है, यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन, और यदि डब्ल्यू एफ एल रहा तो एस पी थ्री डी टू, ठीक है, यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और साथ ही साथ हाई स्पिन आपका बनेगा। इसी में एक क्वेश्चन के तौर पे ऐसा पूछ सकता है कि ऑल द कॉम्प्लेक्स ऑफ एन आई प्लस टू, ठीक है, हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स आर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्या बना था आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको एक्सप्लेन करना है। तो एन आई प्लस टू जेड बराबर तो 28 होता है, कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, थ्री डी एट, फोर एस टू तो पहले ही निकल गया है क्योंकि एन आई प्लस टू की बात कर रहे हैं, तो थ्री डी एट के लिए,
ठीक है, 3D8 के लिए बेसिकली अपने पे फिर क्या हो जाएगा, ये अब WFL रहे या फिर कुछ भी रहे, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3d2। अभी तुरंत बताएं क्या हो जाएगा, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, n बराबर कितना आएगा आपका 2, n बराबर ये कितना नजर आ रहा है 2 नजर आ रहा है, n बराबर यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 2 आएंगे, और न्यू बराबर क्या हो जाएगा 8 बोर मैग्नेट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप कुछ क्वेश्चन भी यहाँ दिए हुए हैं, जैसे ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला, तो इन सब का आप निकाल करके देखिएगा आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये एक तरह से होमवर्क हम दे देते हैं। ठीक है, टोटल चीज सारा कुछ, हाइब्रिडाइजेशन से लेकर के मैग्नेटिक मूवमेंट से लेकर के सारा चीज, ठीक, तो ये थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे यदि हम देखें क्वेश्चन अगला जो है वो क्या बोलता है कि ये FeCN का होल 6-3, ठीक है, यहाँ पे आया हुआ +3 चार्ज हो जाएगा, इज अ वीक पैरामैग्नेटिक, ठीक है, वाइल ये जो होता है -4 वाला क्या होता है, डाइमैग्नेटिक होता है, इसको एक्सप्लेन कर। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, Fe जो कि क्या हो गया 26, ये हो गया कॉन्फिगरेशन, Fe +2 के लिए दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, CN क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करवा देगा पेयरिंग, यस, क्या करवा देगा आपका पेयरिंग, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करवा देगा पेयरिंग, और पेयरिंग यदि होता है, ठीक है, यदि पेयरिंग होगा तो फिर यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ Fe +2 में इन प्रेजेंस ऑफ CN, इन प्रेजेंस ऑफ CN क्या हो जाएगा पेयरिंग, और पेयरिंग होने के बाद ये दो जो है वो आपको खाली नजर आएंगे, और जिसके कारण ये पूरा का पूरा यूज होगा और क्या बनेगा d2sp3, और क्या रहेगा ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, n एक भी नहीं बचेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो न्यू भी जीरो हो जाएगा, और ये क्या कहलाएगा डाइमैग्नेटिक नेचर, और Fe +3 यदि रहेगा, ठीक है, d5 हो जाएगा, और इसका पेयरिंग करने पे एक तो यहाँ पे ये बच जाएगा इस तरीके से इन प्रेजेंस ऑफ CN, तो इसमें भी ये क्या हो जाएगा d2sp3 हो जाएगा, n बराबर 1, न्यू बराबर अंडर रूट 3, क्यों √3, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गया है, और ये क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, तो ये रीजन है इसका। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, एक ऐसा भी हम लोग जा सकते हैं कि Fe +2 पे यदि SFL रहेगा d2sp3 हो जाएगा, n0 μ0 और ये डाइमैग्नेटिक, लेकिन WFL रहेगा तो sp3d2 हो जाएगा, n4, n बराबर 4 और न्यू बराबर क्या हो जाएगा √24, तो ये भी चीज ध्यान में रखना है। अब कुछ एग्जांपल्स Fe का, ठीक है, ये 3-4 एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे, क्या है सिंपल सिंपल सा, अब Fe के बारे में +2 आ गया है, ये भी क्या है आपका सर, आवाज ब्रेक हो रहा है सर, आवाज एक सेकेंड, अब ठीक है क्या, ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा +2, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका +2 हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूट्रल हो गया, +2 पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा +2, और ये -6 जाएगा उधर तो +6 बन जाएगा, +2 हो जाएगा, और ये तो +2 हो गए। ठीक है, न्यूट्रल है तो ये चार्ज पूरा, ये क्या है WFL, और WFL जैसे ही आ गया तो अभी तुरंत पढ़े हैं कि Fe +2 के साथ WFL क्या बनेगा, sp3d2, n बराबर 4, न्यू बराबर 24। ठीक है, ये एकदम फिक्स होना है। ठीक है, उसके बाद यदि फिर से +2 के साथ WFL सेम वही चीज sp3d2 n बराबर 4 ये, लेकिन हाँ यहाँ पे +2 आ रहा और ये SFL आ गया, तो SFL में होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था d2sp3, लेकिन यहाँ ये नहीं होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक केस है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या बोलता है, तो NS3 ये पॉइंट हालांकि लिखवाया हुआ है, ठीक है, एक दो क्लास पहले लिखवाया हुआ है। हेलो, हाँ हेलो सर, स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन पे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सर। ओके सर, अब आया क्या, नहीं सर अभी भी नहीं आया, देखो थोड़ा, नहीं आया, नहीं सर, अच्छा ठीक, रुको, अब आया सर, रुको, नहीं हाँ आ रहा है, लोडिंग हो रहा है, अब आया ना, नहीं ब्लैक स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, कैसा कैसे हो सकता है, यहाँ तो हम शेयर किए हैं, स्क्रीन गया है, नहीं आया सर अभी तक, अब आया क्या,
कुछ नहीं सर, ब्लैक स्क्रीन ही दिखा रहा है। अच्छा दिख रहा है क्या सर? नहीं कुछ नहीं अच्छा, दिख रहा। पूर्वा तुमको दिख रहा है क्या? पूर्वा तुमको दिख रहा है क्या? यस सर दिख रहा है। अब वही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है फिर नेटवर्क का। हाँ सर दिखाई दे रहा है, अभी आया आया। ठीक ठीक ठीक। तो ये क्या हम बोले कि यहाँ पे होना क्या चाहिए था? D2SP3, लेकिन ये हो क्या, यहाँ पे होता क्या है? SP3D2। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हम पॉइंट लिखवाए हैं पहले क्लास में कि NH3 एक्ट करता है वीक फिल लिगेंड की तरह यदि वो Fe+2 या फिर Mn+2 के साथ रहेगा। Fe+2 और Mn+2 के साथ ये किस तरीके से एक्ट करेगा? वीक फिल लिगेंड की तरह। इसीलिए यहाँ पे D2SP3 ना का होकर के क्या हो जाएगा? SP3D2। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो नोट में भी आपको ध्यान में रखना है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और एक बात यहाँ पे नोट पे ध्यान में रखना है, ये पूछता है कभी कभी, ठीक है, एक बार तो आया हुआ भी है, बोलता है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्रीज वेट, वेट को इंक्रीज करता है, जबकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डिक्रीज द वेट। ये पॉइंट आपको एकदम याद ही रखना है, दिमाग में बैठा के बाय हार्ट करके रखना है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के वेट को इंक्रीज करेगा, डायमैग्नेटिक उसके वेट को क्या करेगा? डिक्रीज करता है। अब देखो ये Fe+3 में यदि हम चले जाएंगे तो Fe+3 में क्या हो जाएगा? SFL, ठीक है, ये क्या हो गया आपका? स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड। ये क्या हो जाएगा? D2SP3, ठीक है, और ये न्यू इज इक्वल टू √3। +3 का बात कर रहे हैं, यदि वीक फिल लिगेंड रहेगा तो SP3D2, ठीक है, और N इज इक्वल टू 5 और न्यू इज इक्वल टू 35। इसका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट ध्यान में रखना होगा, मतलब आपको निकालना भी आना चाहिए। ये तो हम डायरेक्ट भी लिख रहे हैं, चूंकि धीरे हम ऊपर में सब बता चुके हैं, D1 D2 D3 D4 इस तरीके से सब बता चुके हैं, तो इसीलिए जो है हम डायरेक्ट भी यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना कि कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, कितने क्या हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जैसे कि एग्जांपल वही वाला जो ऊपर हम लिखे हैं, अब एफ ई यहाँ पे +3 में है, ये वाला भी क्या आ जाएगा? +3 में है। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड के लिए D2SP3, N=1, मैग्नेटिक मोमेंट √3, और यहाँ पे WFL है तो WFL के लिए SP3D2, N=5 और N=1 √35। तो ये कहने का मतलब ये है कि केवल आप इन चीजों को भी ध्यान में रखेंगे जो हमें करके लिखवा रहे हैं बीच बीच में, जैसे ये हो गया, नोट हो गया, ठीक है, एक्सेप्शन पॉइंट हो गया, ठीक है, ऊपर में ये सारा जो हम बताए हैं, तो इसके बाद भी आपका जो काम है ना वो काफी आसान हो जाएगा। निकल का एक एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो बोलता है Ni+4 विथ F- SFL इस्तेमाल होगा। Ni+4 F- क्या है? WFL है, ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें Ni+4 के साथ तो ये SFL की तरह यूज होता है, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? D2SP3। तो इस तरीके से पॉइंट क्या है पूछ देगा, लेकिन जनरल रूल यहाँ फॉलो नहीं होता है तो ये आपको परेशान कर सकता है। आगे यदि हम बात करते हैं कोबाल्ट के केस को पढ़ते हैं, ठीक है, कोबाल्ट के केस को, तो कोबाल्ट क्या बोलता है भाई? तो कोबाल्ट का बोलता है Z=27 होता है, ठीक है, होता है। उसके बाद आर्गन यहाँ 3D7 4H2, ठीक, उसके बाद कोबाल्ट +2 में चला जाएगा तो ये 3D7, ये दो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाएगा। अब कोबाल्ट +3 का देखो, कोबाल्ट +3 का क्या रहेगा? ये 3D6 होगा। तो 3D6 कोबाल्ट +3 जब भी आए तो वो SFL रहेगा, और WFL यदि रहता है तो SFL रहता है, तो N=0, N=0, D2SP3, ठीक है। SFL ये WFL रहेगा तो N=4, N=√24 और SP3D2, ये फिक्स है। समझ में आया क्या बोले हम? ठीक है, हाँ, खास बात यह है कि यदि CO कोबाल्ट H2O का होल 6 आया तो यहाँ पे ये जो है, ठीक है, और ये OX वाला, तो यहाँ पे वाटर हालांकि WFL होता है लेकिन यहाँ पे एक्ट करेगा एज SFL की तरह, और OX भी WFL होता है लेकिन ये भी एक्ट करेगा SFL की तरह। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है VVI, ठीक। और ये जो जनरल जो बता दिए वो तो आपका चले गए। COF6 का होल 3 ये आ जाएगा +3 आपका, और +3 आते ये WFL है, और WFL है तो क्या हो जाएगा? N=4 और √24 जो यहाँ बता चुके हैं वो फॉलो होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हाँ, कोबाल्ट अब ये वाला में,
ये वाला जी ध्यान से थोड़ा देखना, ये वाला CO प्लस टू 3D7, तो ये बचता है, ये एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। पेयरिंग करवा देते हैं सर, 1 2 3 4 5, ये 7 यहाँ पे आएगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये भी एक्सेप्शन है, VVI है, यदि NH3 के साथ करते हैं, स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है, ठीक है, और ये एक्ट करता है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। किस तरीके से एक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और एक इलेक्ट्रॉन लेकर देकर के किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, CO प्लस थ्री में, ठीक है, प्लस थ्री में। तो बेसिकली होता क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वापस किस में भेज देता है अपना, ये डी वाले में, ठीक है, इधर वाले एकदम लास्ट वाले में भेज देगा, ठीक है, लास्ट वाले में भेज देता है। इसको ट्रांसफरेंस इफेक्ट हम लोग पढ़े थे, याद आ रहा है, ट्रांसफरेंस इफेक्ट, एक 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 इसका बच जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ठीक है, उसको तो यहाँ पे पेयरिंग मतलब होने के बाद एक तो बच जाएगा, और एक बच जाता है तो NH3 के रिपल्सन के कारण इसको कहाँ भेज देता है, आउटर मोस्ट लास्ट वाले में, 4D में भेज देता है, जिसके कारण यहाँ पे D2SP3 जो है वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो पाता है। N=1, N=3 आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूरा कंपाउंड इम्पोर्टेंट है। अगला चीज जो हम लोग आ रहे हैं वो Fe का देख लेते हैं कुछ कंपाउंड। हाँ, जैसे Fe का ये आपका दिया हुआ है, Fe का FeH2O का होल 5 NOSO4, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जो कि ब्राउन रिंग टेस्ट में आपको नजर आता है, ठीक है। ऑर्गेनिक में ब्राउन रिंग टेस्ट हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें ये चीज आपको दिखता है, ये पूरा केमिकल जो कॉम्प्लेक्स है वो। तो अब Fe का क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस वन, ठीक है, ये है -2, तो ये हो जाएगा प्लस टू, ये चला जाएगा इधर, ठीक है, गलत बोल दिए, ये वन, ठीक है, -1, ठीक है, ये चला जाएगा प्लस, एक सेकेंड गड़बड़ हो रहा है, हाँ यहाँ पे हो जाएगा +2 और इसका +1, ये उधर चला जाएगा, ठीक है, x जिसका हम लोग निकाल रहे हैं, तो फिर क्या बचेगा, +1, यानी ये उधर चला जाएगा, तो -1 हो जाएगा, +2 -1 बराबर क्या हो जाएगा, +1, तो Fe किस में आ जाएगा, +1 में आ जाएगा, Fe +1 में आ जाएगा, तो फिर उसके बाद ये कॉन्फिग्रेशन उसका होगा, ठीक है, कॉन्फिग्रेशन ये होगा। तो अब देखोगे कि 4s में एक इलेक्ट्रॉन केवल है, अब 4s में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये पेयर्ड अप होकर के आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये पेयर्ड अप होकर के आएगा यहाँ पे, और ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से ये भी ध्यान में रखना है। तो उसके बाद फिर क्या हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या पाया जाता है, sp3d2, और 3 जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, जिसका nu = क्या हो जाएगा, अंडर रूट, और पूरा निकाले तो क्या हो जाएगा, 3.8, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल है Mn का, मैंगनीज का, ठीक है, इसका भी देख लेते हैं। जैसे Mn वाटर लिए, वाटर क्या है, WFL क्या हो जाएगा, ये +2 के साथ यहाँ पे sp3d2, n = 5 और nu = 35, ठीक है। SFL आ गया, तो पेयरिंग यहाँ पे हो जाएगा, क्या बन जाएगा, n = 1, ये और ये, आपको ये अब धीरे धीरे आ जाना चाहिए, मतलब एकदम क्लियर होते जाना चाहिए कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। उसके बाद यदि हम बात करें ये वाला, ये एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये ये यहाँ पे जो है Mn+2 के साथ, Mn+2 के साथ NH3 कैसा एक्ट करेगा, WFL, यस, अभी हम ऊपर में पॉइंट भी जिक्र किए हैं कि यहाँ पे कौन सा, यदि हम बात करें यहाँ पे आयरन के, आयरन वाला जब हम लोग केस देख रहे थे, तो आयरन वाला केस देख रहे थे, तो हाँ यहाँ पे आयरन के साथ NH3 SFL क्या बोला था, NH3 एक्ट एज ए WFL With Fe+2 and Mn+2, Mn+2 के साथ भी ये कैसा एक्ट करेगा, WFL की तरह, ठीक है, और WFL की तरह एक्ट करेगा, तो n = 5 और √35 sp3d2, ये तो नॉर्मल सा केस है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ये आसान सा चीज है। लिमिटेशन बात करें यदि हम लोग VBT का, ठीक है, लिमिटेशन बात करें तो लिमिटेशन क्या हो जाएगा, कहता है इट डज नॉट गिव एनी आइडिया, ठीक है, एक्सप्लेनेशन अबाउट फिल लिगेंड और वीक फिल लिगेंड, इसने इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी,
ठीक है, कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है, वाई सम कॉम्प्लेक्सेस पेयरिंग टेक्स प्लेस, पेयरिंग क्यों हो रहा है इसके बारे में नहीं बताया, और कुछ पेयरिंग नहीं कर रहे हैं, बस हो रहा है ये, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है उसके बारे में ये नहीं बताए थे, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस क्यों हो रहा है, यानी ट्रांसफरेंस इफेक्ट क्यों देखा जा रहा है, उसके बारे में भी कुछ जानकारी नहीं था। उसके बाद वीबीटी डज नॉट गिव आइडिया अबाउट द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में इसने कुछ नहीं बताया। वीबीटी डज नॉट गिव अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, साथ ही साथ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं बताया। तो ये पांच लिमिटेशंस खास तौर पे अपने वीबीटी के देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये वीबीटी का पूरा क्लियर होता है। यहां तक में कोई प्रॉब्लम है तो पूछें, बताइए जी। बोलो, यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताओ। बोलो जी, आगे कंटिन्यू करें। हाँ सर, देखो क्या है ये चीज, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ध्यान से समझ रहा। तो बेसिकली जिसको हम लोग सीएफटी कहते हैं, ये कब आया था, 1950 में। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो भी लिमिटेशन था उसको कुछ हद तक दूर करने वाला कौन था, कौन सा था तुम्हारा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और इस चैप्टर में यही एक लास्ट थ्योरी भी है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये स्प्लिटिंग को बताता है, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग हो रहा है, पेयरिंग नहीं हो रहा है, उसके बारे में ये बताता है, ठीक है, ये सारे चीजों थोड़ा सा डिस्कस करता है। आ रहा बात समझ में, क्या बोल रहे हैं हम? तो देखो बेसिकली जो डी ऑर्बिटल्स हम लोग क्या देखते हैं कि जनरली किसके किसमें हम लोग ये चीज देखते हैं, डी ऑर्बिटल में। तो डी ऑर्बिटल जो अपने 5D ऑर्बिटल्स जो है, 5D ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या रहते हैं, डीजेनरेटेड। तो डीजेनरेटेड का मतलब होता है सिमिलर इनर्जी वाले, कैसे, सिमिलर इनर्जी, सिमिलर इनर्जी वाले जो होते हैं उसको डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और ये वो, जैसे हम एग्जांपल 3D6 ही है, ठीक है, 3D6, तो 5 ऐसे भरे हुए हैं, 1 ऐसे भरे हुए हैं, इस तरीके से हम ले लिए, ठीक है, कुछ भी हम ले सकते हैं, लेकिन चलो मान लिए 3D6। अब यहाँ पे ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, सारा का सारा ऑर्बिटल का एनर्जी क्या रहेगा, सेम। और ये ऑर्बिटल्स किसके प्रेजेंस में, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड, कोई भी लिगेंड अभी आया नहीं है, ध्यान से समझना पूरा कॉन्सेप्ट, कोई भी लिगेंड अभी आया नहीं है। अब क्या होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, सिमेट्रिकल लिगेंड, सिमेट्रिकल लिगेंड कहने का मतलब जिधर ऑर्बिटल है उधर ही बेसिकली लिगेंड आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा हल्का सा रिपल्सन के कारण, लेकिन ये लिगेंड क्या है, दूर है, अभी पास नहीं आए। तो जैसे ही महसूस होता है कि अच्छा लिगेंड जो है वो आसपास भी भटक रहा है, तो ये क्या करता, अपने एनर्जी लेवल को थोड़ा सा क्या करता, बढ़ा लेता है। अभी भी डिजेनरेटेड ही है, अभी भी सिमिलर एनर्जी का ही है, ठीक है, अभी भी सिमिलर एनर्जी का ही है। लेकिन उसके बाद जैसे ही लिगेंड आता है, ठीक है, जैसे ही लिगेंड आता है तो ये क्या करता है, फिर स्प्लिट करता है, ठीक है, टूट जाता है, ठीक है, जो ये 5 थे वो टूट जाते हैं, कुछ ऑर्बिटल्स जो हैं, ठीक है, कुछ कुछ ऑर्बिटल्स जो हैं वो कहाँ चले जाते हैं, ऊपर की तरफ, और कुछ ऑर्बिटल्स कहाँ जाते हैं, नीचे की तरफ। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ये वाला ही ऊपर जा रहा है, ये वाला ही नीचे, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये तो इतना दूर तक तो एटलीस्ट समझ में आया कि क्या चल रहा है, ये 5D ऑर्बिटल्स थे,
लिगेंड सिमेट्रिकल फील्ड में आ रहा है तो इनको थोड़ा सा महसूस होता है कुछ, ये क्या करते हैं थोड़ा सा एनर्जी, अब इसका एनर्जी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद की कहानी ऐसे समझेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम आपको समझाएंगे, ठीक है, सबसे पहले हम समझाएंगे, यहाँ पे हम आएंगे, ये वाला जो स्केच है ना, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हम आएंगे अभी फिर से, लेकिन उससे पहले ये वाला चैतन्य तुम ही इसको ड्रॉ किए हो, येलो वाला, तो इसको मिटाओ थोड़ा सा जल्दी, ठीक है। हाँ सर, देखो इरेजर होगा उसको मिटाओ, चलो ठीक है। देखो अब ये क्या है, हम सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल सिचुएशन ले रहे हैं, अभी ऑक्टाहेड्रल हम लोग देख रहे थे, कोऑर्डिनेशन नंबर वाला ऑक्टाहेड्रल सिचुएशन लेते हैं। इसमें दो तरीके का बन सकता है क्या हाइब्रिडाइजेशन, एक तो sp3d2 और दूसरा d2sp3। तो उसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा, एस ऑर्बिटल, पीएक्स पीवाई पीजेड, ठीक है, पीएक्स पीवाई पीजेड, और साथ ही साथ हम बताए थे कौन सा रहा था, dx2-y2 और dz2 बोले थे ना, ये इस तरीके से पांचों ऑर्बिटल्स जो हैं आपको, सॉरी छह ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे, और सिक्स लिगेंड जो है वो अप्रोच करता है अलोंग एक्सिस, क्यों, क्योंकि ये सारे पीएक्स पीवाई पीजेड dx2-y2 dz2 सब क्या है, ये एक्सिस पे रहने वाले हैं, एक्सियल हैं, ठीक है, और एक्सियल है इसका मतलब लिगेंड किधर से और आपका आ रहा है एक्सियल, ये क्या बोलता है कि छो लिगेंड जो इसमें अप्रोच करता है वो एक्सिस किससे करता है आपका, ठीक है। दो जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस रहता है, दो रहते हैं अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, और दो जो रहते हैं वो किस एक्सिस पे रहते हैं, अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया, दो जो हो गया आपका एक्स एक्सिस, दो रहेंगे आपके वाई एक्सिस और दो रहेंगे जेड एक्सिस। अब जैसे जैसे ये हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ये अपने पास है। अब मान लेते हैं ठीक है, ये आ गया आपका, अरे यार ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, चलो ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, यही वाला हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये ऐसा, ये बीच में मेटल, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला मान लेते हैं वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक है, और ये वाला जो आ रहा है ये मान लेते हैं कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है। ऊपर वाला जाहिर सी बात है कि जो ऊपर से कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, ये कौन सा एक्सिस होगा, जेड एक्सिस, ठीक है। तो दो लिगेंड जो है, ठीक, दो लिगेंड जो है ये कहाँ पे आपको नजर आएंगे, दो लिगेंड कहाँ नजर आएंगे, वाई एक्सिस पे, ये लिगेंड ये और ये वाला लिगेंड, ये दो लिगेंड वाई एक्सिस पे, और दो लिगेंड कहाँ नजर आएंगे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और दो कहाँ नजर आएंगे, जेड एक्सिस पे, ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको जो हम यहाँ पे बात कहें वो कि ऑक्टाहेड्रल तो बन रहा है, तो ऑक्टाहेड्रल में दो रहेगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है, दो रहेगा किस पे, वाई एक्सिस पे, और दो जो किस पे रहेंगे, जेड एक्सिस पे, ठीक है। तो ये दो एक्स एक्सिस पे हो गए, ये वाई एक्सिस पे हो गया, और ये किस पे हो गया, जेड एक्सिस पे हो गया। यदि हम स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो इसका क्या होता है, डी एस पी टू, तो इसमें डी जो रहता है वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एस पी एक्स और पी वाई, याद है ये सब बता चुके हैं, दोबारा आ रहा है। अब इस पे मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ये बेसिकली किस पे रहेगा, दो अलोंग एक्स एक्सिस, दो अलोंग वाई एक्सिस। टेट्राहेड्रल की यदि हम बात करें
ठीक है, तो टेट्राहेड्रल जो आपका बनता है उसमें sp3 होता है, px py pz, और बॉन्ड एंगल कितना आता है 109 डिग्री, 28 मिनट, ठीक है। और खास बात यह है कि नन ऑफ द लिगेंड विल अप्रोच टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल अलोंग द एक्सिस। अब चूंकि एक्सिस पे रहेगा तो कितना ये 90 बन रहा है तुम्हारा, ठीक है, कितना बन रहा है 90 बनेगा, ठीक है, 90 तुम्हारा बन रहा है। अब 90 तो इसमें है नहीं, तो ये एक्सिस पे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, 109 डिग्री 28 मिनट पे हर एक एंगल। तो इसीलिए ये क्या बोलता है कि नन ऑफ द लिगेंड विल अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम अलोंग एक्सिस, ठीक है। अब क्या है बात, यहाँ पे बोलता है कि डी ऑर्बिटल को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं दो पार्ट में, चीजों को समझना एकदम अच्छे से। डी ऑर्बिटल को हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में, ठीक है, एक को कहते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, ठीक है, NAO, और एक को, अच्छा, ये वाले ऑर्बिटल्स के जो लोब्स होते हैं, ठीक है, लोब्स आर नॉट अलोंग द एक्सिस, इनके लोब्स जो होते हैं वो एक्सिस के अलोंग नहीं होते हैं, एंड दे आर इन बिटवीन द एक्सिस, दो एक्सिस के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। देखे कैसे, ये ठीक है, ये तो जो डी ऑर्बिटल्स के जो सारे होते हैं ना, कौन कौन सा, डी एक्स वाई, ठीक है, डी एक्स जेड, ठीक, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड, ये तीनों जो होते हैं वो होते हैं नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, ठीक है, ये एक्सिस के बीच में पाए जाते हैं, एक्स और वाई के बीच में इसके ऑर्बिटल्स पाए जाएंगे, ठीक है, इसके जेड और एक्स के बीच में पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जेड एक्स, और ये वाई और जेड के बीच में इसके ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। बात समझ में आ रहा है, और ये दो जो होते हैं उसको कहते हैं हम लोग एक्सियल, एक्सियल ऑर्बिटल, ठीक है, तो ऑर्बिटल इन विच लोब्स कहाँ पे रहेगा, एक्सिस पे, तो ये वाला लोब्स इसके कहाँ नजर आ रहे हैं आपको, एक्सिस पे, ठीक है, एक्स पे, वाई पे, और ये क्या है, डी जेड स्क्वायर, और खास बात इसका 1/3 जो रहता है इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ पे नजर आता है, इसके रिंग पे, ये एक रिंग बनाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रहता है वो आपको नजर आता है 1/3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आगे अब देखें, अब चीजों को समझें कि क्या होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो बेसिकली क्या बोलता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ 5 डिजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स इनटू 2 सेट्स ऑफ नॉन डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स इन द फील्ड ऑफ लिगेंड इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। कहने का मतलब, लिगेंड यदि जैसे ही जैसे सामने आता है, ठीक है, लिगेंड जैसे जैसे सामने आएगा, सिंपल सा हम एक चीज समझाते हैं आपको, देखिए यहाँ पे जैसा कि ये यहाँ पे आपका ऑर्बिटल्स है, ठीक है, ये ऑर्बिटल्स है, ये मान लेते हैं ये एक्सिस है, ठीक है, ये भी एक्सिस है, इधर से ये भी एक्सिस, ठीक, एक्स वाई कुछ भी ले लेते हैं, और मान लेते हैं कि लिगेंड इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो रिपल्सन होगा क्या? नहीं रिपल्सन होगा, ठीक है, नॉन एक्सियल एंड से आ रहा है, तो रिपल्सन किधर होगा? नॉन एक्सियल वाले ऑर्बिटल पे होगा। रिपल्सन किधर होगा? नॉन एक्सियल वाले पे होगा, ठीक। लेकिन मान लेते हैं ये इधर की ओर से आ रहा है, इधर से लिगेंड यदि आ रहा है, अप्रोच कर रहा है एक्सिस से, तो एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, तो रिपल्सन किस पे होगा? एक्सियल वाले पे। तो ज्यादा रिपल्सन किस पे होगा? एक्सियल ऑर्बिटल पे। तो ये रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, ऐसा समझे कि ये बाकी सब जो है रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये दो सेट में ब्रेक कर जाता है, ठीक है, दो सेट में क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, ये देखें यहाँ पे, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे ये किस तरीके से है, ये ऑर्बिटल्स ये सारे किस पे, ये वाला एक्सिस पे है, ये वाला किस पे, एक्सिस पे है, और ये वाला जो है, ये वाला जो है एक्सिस से बाहर की ओर है, ठीक है, या एक्सिस के दो एक्सिस के बीच में है, अलोंग द टू एक्सिस, बिटवीन द टू एक्सिस, ये। अब मान लेते हैं लिगेंड आ रहा है एक्सिस से, लिगेंड कहाँ से आ रहा है, एक्सिस से, तो रिपल्सन ज्यादा कौन फील करेगा? एक्सियल ऑर्बिटल, ठीक है। और यदि लिगेंड आएगा यहाँ से, तो फिर कौन ज्यादा फील करेगा रिपल्सन? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। तो यदि एक्सिस से आ रहा है तो रिपल्सन फील कौन करेगा आपका? एक्सियल रिपल्सन, सॉरी एक्सियल ऑर्बिटल जो है वो रिपल्सन फील करेगा, और बेसिकली फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो दो सेट में ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, दो सेट में ब्रेक कर जाएगा। और ये जो सेट है उसका नाम दिया गया है, ठीक है, उसका नाम दिया गया है, देखेंगे जरा सा कैसे।
ऑक्टाहेड्रल का ही हम सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, कैसे होता है। तो कहता है कि दो सेट में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। क्या बोला, फिर से बोलते हैं कि यदि लिगेंड के प्रेजेंस में रिपल्सन होने के कारण, ठीक है, अपने रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए किसमें टूट जाएगा, दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में टूट जाएगा। जो 5d ऑर्बिटल डीजेनरेटेड रहेंगे वो नॉन डीजेनरेटेड हो जाएंगे। नॉन डीजेनरेटेड कहने का मतलब अब उनका एनर्जी सिमिलर नहीं रहेगा, ठीक है, इसमें ये ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद इसी चीज को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। यानी कि जितना स्प्लिट करेगा, जितना ये एक ऊपर और एक नीचे टूटेगा, इसके बीच के डिफरेंस को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जितना ये टूटता है, ठीक है, ये 5d जनरेटेड जो थे, ठीक है, ये जितना कुछ ऊपर जाएंगे और कुछ नीचे जाएंगे, ठीक है। तो अब देखे, इसको देखे ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल का ये पूरा हम बताए हुए हैं, ये ऊपर जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, ये तो कुछ दो जो है एक्स एक्सिस पे रहेंगे, दो वाई एक्सिस पे और दो जेड एक्सिस पे रहेंगे। तो क्या बोलता है कि इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्या बोलता है, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एक्सियल ऑर्बिटल को हम लोग बोलते हैं ईजी, एक नया रिप्रेजेंटेशन आता है ईजी, ठीक है, विल फील मोर रिपल्सन, क्या फील करता है, ज्यादा रिपल्सन ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल वाला। एंड देन नॉन एक्सियल का नाम हम लोग दे रहे हैं T2G, ध्यान में रखेंगे T2G, ठीक है। देन नॉन एक्सियल, क्या बोले हम, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है उसमें एक्सियल ऑर्बिटल ईजी फील करता है ज्यादा रिपल्सन एज कंपेयर टू नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। हेंस एनर्जी ऑफ ईजी, ठीक है, एनर्जी ऑफ ईजी, ठीक है, इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ T2G। तो इसीलिए जो है यहाँ पे ये आपको ब्रेक करता है, ये वाला जो है, ये पहले पेज पे भी हम बनाए हुए हैं। तो ये क्या था, सिमेट्रिकल लिगेंड फील, ठीक है, ये ऐसा ही था। अभी यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है, कुछ चला जाएंगे ऊपर और कुछ चले जाएंगे नीचे। तो ये ऑक्टाहेड्रल का हम लोग देख रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल का रिप्रेजेंटेशन ये डेल ओ, डेल का मतलब हम लोग क्या पढ़े थे, चेंज इन एनर्जी, ठीक है, ठीक, चेंज, और डेल का मतलब क्या, चेंज, और ये ओ लिखा हुआ है क्यों, ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो डेल ओ यानी कि चेंज इन एनर्जी CFS, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाएगा इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एनर्जी टर्म है ये। अब क्या कि फील ज्यादा रिपल्सन कौन किया था, एक्सियल वाला दो ही होते हैं, dx² - y² dz², तो ये चला गया ऊपर, इसको क्या कहेंगे, ईजी। और ये कहां आ गया, नीचे, इसको क्या कहेंगे हम लोग, T2G, ठीक। और ये जो लाइन है जो बीच से जा रहा है, इसको कहते हैं बेरी सेंटर, क्या नाम है इसका, बेरी सेंटर। और यहां से लेकर यहां तक का जो एनर्जी गैप है उसको हम लोग उसको ही हम लोग कहते हैं डेल ओ, क्या कहते हैं, डेल ओ। और पूरा का पूरा जो डेलो है वो है 10dQ, क्या है, 10dQ, ये बेसिकली ये मेजर करने का यूनिट है यहाँ पे 10dQ। तो ऊपर यदि इस बेरी सेंटर से यदि हम ऊपर की ओर जाएं तो इसको कहते हैं हम लोग +0.6 ΔO, क्या कहते हैं, +0.6 ΔO। और नीचे आएंगे तो कहते हैं -0.4 ΔO, ठीक है, ये बात समझ में आया, +0.6 और -0.4, तो ये है बेसिकली। अब क्या कहता है, अब खास बात यहाँ पे है कि पेयरिंग क्यों होता है और पेयरिंग क्यों नहीं होता है, तो चीजों को समझना है यहाँ पे। अब स्टार्टिंग पे हम थोड़ा सा जा रहे हैं, हाँ, यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे फिर से हम आ रहे हैं दोबारा वापस। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं ना, कि जैसे कि ये अपने पास क्या है, ये नीचे आ गए, कौन सा है, T2G वाला है, T2G, और ये वाला कौन सा है, अपना ईजी वाला है। अब चीजों को समझना है, अब जैसे कि हम ये अपना स्प्लिट किया, ये चला गया ऊपर, ये चला गया नीचे, तो अब आता है अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, या फिर क्या आ सकता है, अपना वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड में हम लोग क्या बोले, पेयरिंग नहीं होता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या हो जाता है, पेयरिंग हो जाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग हो जाता है। तो बेसिकली कुछ ऐसा समझे हम लोग कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है, क्या रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होता है, पेयरिंग, ठीक है, और पेयरिंग जो होता है, ठीक है, पेयरिंग जो होता है उसको में जो एनर्जी लगता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी, क्या उसको कहते हैं, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। अब सपोज दैट,
मान लेते हैं कि ये जो है रिपल्सन बहुत ज्यादा हुआ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आने के बाद, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड आने के बाद ये बहुत ज्यादा टूटा, ठीक है, इनमें मान लेते हैं कि ब्रेक बहुत ज्यादा हुआ, ये बहुत ऊपर गया, ये बहुत मतलब नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया बहुत ज्यादा, डिफरेंस इसमें क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि होना क्या चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन पहले इसमें आना चाहिए था, फिर इसमें आना चाहिए था, फिर इसमें आना चाहिए था, और चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा होने के कारण, ठीक है, डिफरेंस बहुत ज्यादा होने, मान लेते हैं कि यहां से यहां जाएगा तो इसको 500 किलो जूल का एनर्जी लगता, 500 किलो जूल का एनर्जी लगता, लेकिन एक और ऑप्शन है पेयरिंग होने का, और पेयरिंग होने में केवल मान लेते हैं 50 किलो जूल का एनर्जी लगता है, या मान लेते हैं 150 किलो जूल का एनर्जी लगता, तो इसके लिए क्या बढ़िया है, पेयरिंग होना या फिर ऊपर वाले ऑर्बिटल में जाना, तो जाहिर सी बात है कि पेयरिंग होना, इसलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है और रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण दोनों के बीच में गैप बढ़ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स ये ऊपर जाने के कंपेयर में, ऊपर जाने से अच्छा ये क्या चाहते हैं कि पेयरिंग हो जाए, इसलिए क्या होते हैं पेयरिंग होते हैं, लेकिन जब वीक फील्ड लिगेंड आता है तो इसका, ठीक है, इसका मान लेते हैं कि ये यहीं पे रह जाता है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाता है, और बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाता है तो फिर क्या होगा, तो ये पेयरिंग एनर्जी जो यहाँ पे आपको 150 किलो जूल का दिया गया है ये बहुत ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू ये, तब इसका और इसका डिफरेंस, जो एनर्जी डिफरेंस मान लेते हैं 100 किलो जूल का रहता है, तब 100 किलो जूल का एनर्जी में क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 150 किलो जूल का एनर्जी में क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा, तो इसके लिए ज्यादा अच्छा कौन है कि ऊपर चला जाए, ठीक है, अपने ऑर्बिटल में, दूसरे वाले ऑर्बिटल में चला जाए, तो इसीलिए वीक फील्ड लिगेंड में क्या हो जाता है, पेयरिंग नहीं होता है, ये ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या करता है, ये पेयरिंग करवा देता है, तो ये रीजन है पेयरिंग का, बात समझ में आया, तो ये पूरा का पूरा हम लोग ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे देखे हैं, तो अब देखिए क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे पी रिप्रेजेंट करता है किससे, पेयरिंग एनर्जी से, और पेयरिंग एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल, सेम ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी, और यदि डेल्टा ओ क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फिल द इलेक्ट्रॉन इन ईजी, एनर्जी जो नीचे वाले से, ठीक है, नीचे वाले से कहां भेज दे, ऊपर, दैट इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं हम लोग, डेल ओ, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, डेल ओ, ऑक्टाहेड्रल वाला, ठीक है, और यही पेयरिंग हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है भाई, पेयरिंग हो जाएगा इंस्टेड ऑफ टी टू जी, ठीक है, क्या बोला कि रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन टू फिल ईजी, ये क्या था अपना ईजी, और ये क्या था टी टू जी, तो टी टू जी में जाने से अच्छा है, पेयरिंग होने से बढ़िया ये हो जाए, दैट इज कॉल्ड डेल ओ, तो बोलता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यदि आ रहा है तो डेल्टा ओ काफी ज्यादा हो जाएगा, और डब्ल्यू एफ एल है तो डेल्टा ओ बहुत कम हो जाएगा, अच्छा डेल्टा ओ बहुत ज्यादा है यानी कि ये डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया तो ऊपर जाएगा क्या इलेक्ट्रॉन, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा, आपस में ही पेयर कर लेगा, तो एस एफ एल यदि है तो डेल ओ ये बहुत ज्यादा हो जाता है किससे, पेयरिंग एनर्जी से, सो पेयरिंग विल अकर, और डब्ल्यू एफ एल है तो डेल ओ क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो पेयरिंग नहीं हो पाता है, वो अपना दूसरे वाले ऑर्बिटल में चला जाता है, ठीक है, तो ये देखेंगे फिर उसके बाद, अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा जो हम है ना थोड़ा सा एक पेज पे ले आते हैं, हाँ ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हाइब्रिडाइजेशन एन, ठीक है, नंबर ऑफ ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो, तो देखो जैसे डब्ल्यू एफ एल है तो टी टू जी मतलब कितना जो डब्बा था ना उसका बना हुआ वही वाला है नीचे वाला, और ये वाला ऊपर वाला डब्बा है, जो ऊपर वाला डब्बा रहता है वो, तो यदि वीक फील्ड लिगेंड एक ही इलेक्ट्रॉन है ना डी वन, तो ये डी वन वन चला गया, वन इसमें आ गया, डी टू में अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा है फिर भी वही होगा, डी टू में भी सेम, इसमें भी सेम, डी थ्री में भी सेम, इसमें भी सेम, डी थ्री तक में तो कोई चेंजेज आता नहीं है, कहाँ से कहाँ तक में, डी फोर से लेकर के डी सेवन तक में, फिर एट नाइन टेन में भी वैसा चेंजेस कुछ नहीं रहता है, तो यदि हम बात करें डी फोर में
तो डी फोर में देखो ये चार इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो पेयरिंग करे नहीं तो फिर अगला में भेजे। तो वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो क्या करेगा, पेयरिंग नहीं करता, अगला में भेज देगा, ठीक है, तो ये आके यहाँ। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तो पेयरिंग कर लेगा, आ जाएगा यहाँ। अब पेयरिंग कर लिया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, यस दो, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे, दो, तो ये दो है, ठीक। यहाँ पे अच्छा वीक फील्ड लिगेंड में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे, चार, एक दो तीन चार, तो ये हो जाएगा फोर, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन डी टू एस पी थ्री, एस पी थ्री डी टू, उसी तरीके से ये तीन, और ये वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं होगा यहाँ, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पांच, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में यदि हम बात करें तो ये फिर ये पेयर कर जाएगा, अगला वाला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसी में आ जाएगा, इसी में आ गया, तो इसमें आ गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, एक, तो ये हो जाएगा वन। समझ में आया, डी सिक्स में उसी तरीके से, डी सेवन में उसी तरीके से, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चेंज होते रहेगा वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड के प्रेजेंस में। उसी प्रकार से यदि हम डी एट की बात करें, ठीक है, डी एट की बात करें तो इसमें देखेंगे ये वाला क्या हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी हम फिर से लिंक भेजते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा ना, तुरंत बंद होने वाला है, तो तुरंत हम लिंक भेजते हैं, अभी तुरंत ज्वाइन हो जाओ फिर से, हाँ एंड मीटिंग करते हैं।